साइकोलॉजी कहती है कि बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बल्कि बच्चे वो करते हैं जो आपको करता देखते हैं। आप अगर अपने आसपास का वातावरण देखेंगे तो पाएंगे कि जहरीली हवा में सांस लेने वाला बच्चा इससे अछूता कैसे रह सकता है। हमने उदयपुर की एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें एक बदमाश दूसरे को पकड़ कर लाता है और उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता है। उसे साड़ी पहनाता है, उसे नचाता है, उसके कपड़े उतारते हैं और फिर उस पर रखकर केक काटते हैं, सरेआम शराब छलकाई जाती है और तो और पुलिस को ललकारते हैं। और ठीक वैसा ही हुआ अजमेर जिले के सरकारी स्कूल में, जब एनुअल फंक्शन की तैयारी के दौरान स्टूडेंट के साथ साथियों द्वारा मारपीट कर अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया। सभी नवी के छात्र हैं। मामले की जानकारी मिलने पर स्कूल प्रशासन ने 5 स्टूडेंट्स के खिलाफ मांगलियावास थाने में शिकायत दी। पुलिस ने पॉक्सो और आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर 5 नाबालिग स्टूडेंट्स को पकड़कर बाल सुधार गृह भिजवा दिया है। एडिशनल एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि मांगलियावास थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने रिपोर्ट दी है कि नवी कक्षा के 5 छात्रों ने एक छात्र के साथ मारपीट की, कपड़े उतार कर मोबाइल फोन से अश्लील वीडियो बनाया, बाद में इसे वायरल भी कर दिया। इस पर पुलिस ने पॉक्सो व आईटी एक्ट में केस दर्ज किया। पुलिस ने पीड़ित छात्र के बयान को लेकर विधि से संघर्षरत 5 किशोर को डिटेन किया और किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया, जहां से उन्हें बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया। वीडियो में 2 लड़कों ने पैरों को पकड़ रख एक ने हाथ पकड़ा है और एक लड़का छेड़छाड़ कर रहा है। एक लड़का वीडियो बना रहा है। यह वीडियो स्कूल के कक्ष में भी बनाया गया है। पीड़ित स्टूडेंट के परिजन को सबसे पहले वायरल वीडियो का पता चला। इस संबंध में स्कूल पहुंचकर शिकायत शनिवार 12 मार्च को दे दी गई और उसी दिन प्रिंसिपल ने मांगलियावास थाने में शिकायत दे दी। पुलिस ने भी त्वरित कार्यवाही करते हुए 5 स्टूडेंट्स को पकड़ लिया। पढ़ने लिखने अपना भविष्य बनाने की जगह ऐसी हरकतों में ये बच्चे कैसे आ जाते हैं? क्या सोशल मीडिया इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? जो भी हो, ये है गलत। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।